ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे द वाइपर रैंडी ओटन के एक कड़क स्टेटमेंट के बारे में जो उन्होंने दिया मंडे नाइट रॉ एंड राउडी रोंडा राउजी के बारे में। साथ ही साथ कुछ बड़ी अपडेट्स है मेरे पास आप सभी के लिए जो कि जुड़ी हैं अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड से। तो वहां पर एक मैच पहले से कंफर्म कर दिया गया है जो कि है वुमेन्स के बीच शार्लेट फ्लेयर नाओमी एंड बेकी लिंच वर्सेस रायट स्कॉट के बीच। तो पिछले स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड से हम काफी बार देख रहे हैं वुमेन्स के बीच हमें फ्यूड दिखाई जा रही है। तो अब हमें अगली स्मैकडाउन लाइव एपिसोड में सिक्स वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सेगमेंट जो पहले से कंफर्म है वो ये कि एजे स्टाइल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं जो आगे फेटल फाइव वे मैच होने वाला है फास्ट लेन पेपर व्यू में। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग मैच बुक है जो कि हमें देखने को मिलेगा न्यू डे वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड चैट गेबल के बीच, और ये होगा नंबर वन कंटेंडर बनने के लिए। मतलब जो भी सुपरस्टार, मतलब जो भी टीम इस मैच में जीती है उसे मौका मिलेगा फास्ट लेन पेपर व्यू में उस होस्ट को स्मैकडाउन लाइव की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि WWE यहाँ पर हमें उसोस और ब्लजियन ब्रदर्स के बीच फ्यूड दिखाएगी, और जिसके बाद शायद आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें ब्लजियन ब्रदर्स न्यू स्मैकडाउन लाइव के टैग टीम चैंपियंस देखने को मिले। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद WWE इस फ्यूड को बचाना चाहती है रेसलमेनिया के लिए। अब बात करते हैं द वाइपर रैंडी ओर्टन के एक रिसेंट इंटरव्यू के बारे में जो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहा। जब रैंडी ओर्टन से पूछा गया रोंडा राउजी के बारे में, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आगे उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो इस पर बहुत ही कड़क आंसर दिया रैंडी ओर्टन ने। उन्होंने कहा कि मैं रोंडा राउजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो रॉ ब्रांड पर है और मैं स्मैकडाउन लाइव पर हूँ। फिलहाल मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं उनसे कभी भी नहीं मिला हूँ और ना ही मैं मंडे नाइट रॉ देखता हूँ, मैं एक स्मैकडाउन गाया हूँ। तो काफ़ी एटीट्यूड के साथ यहाँ पर रैंडी ओर्टन ने बोला, और शायद ऐसा एटीट्यूड होना भी चाहिए बिकॉज वे एक सुपरस्टार हैं और इस तरह का अग्रेशन उनके अंदर होना चाहिए। इसके आगे अब जब उनसे ज़्यादा ही फोर्स किया गया तो उन्होंने आंसर दिया इस पर, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। लेकिन अब तक उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया है तो उस बेस पर मैं कहना चाहूँगा कि रोंडा राउजी WWE के टॉप फीमेल सुपरस्टार में से एक बन सकती हैं, लेकिन अभी उन्हें काफ़ी आगे जाना है, तो ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सही बात हमें तभी पता चलेंगी जब उनकी होगी एलिमिनेशन चेंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो रैंडी ओर्टन ने यहाँ पर इस बात को भी ऐसे कहा कि जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि एलिमिनेशन चेंबर कब है और उसकी डेट क्या है। रैंडी ओर्टन ने अपने इस इंटरव्यू में ना ही इंटरव्यूअर को भाव दिया, ना ही मंडे नाइट रॉ को और ना ही रोंडा राउजी को, लेकिन शायद अपने इसी एटीट्यूड की वजह से रैंडी ओर्टन हमें दूसरे सुपरस्टार से अलग भी नजर आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और रैंडी ओर्टन का फ्यूचर क्या होगा आगे, क्या वो बनेंगे US चैंपियन, ये बात भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।